दोस्तों, ट्विन फ्लेम सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्विन के साथ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी क्यों फील होती है। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ट्विन के साथ सेक्सुअल एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी इसलिए भी फील होती है क्योंकि सामने वाली सोल आप ही का अदर हाफ है, सेम फ्रिक्वेंसी में होती है दोनों ही सोल। जितनी हाई सेक्सुअल एनर्जी आप फील करते हैं, सेम एज आपका ट्विन भी करता है। दोनों की हाई एनर्जी इक्वल होने की वजह से एक पुल आप फील करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा, क्योंकि यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको या आप इस एनर्जी को आपको ऊपर की ओर लेकर जानी होती है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी को फील करते हैं तो वो फिजिकली चले जाते हैं या फिर इंटिमेसी में चले जाते हैं और इस एनर्जी को लस्ट करते हैं, जबकि आपको इसे क्रिएटिव साइड की ओर लेकर जाना चाहिए, अपने चक्रास पे वर्क करना चाहिए और इस एनर्जी को ऊपर की ओर उठाना चाहिए, सैक्राल चक्र पर वर्क करना चाहिए। डीएम इस चीज को अंडरस्टूड नहीं कर पाते क्योंकि उनका सैक्राल चक्र ब्लॉक होता है, उनका ध्यान बस सेक्सुअल टॉक या फिजिकली या इंटिमेसी की ओर ही अट्रैक्ट होता है। सो डीएफ को अपने आप को समझाना है कि जब वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल टॉक करें तो आपको खुद को समझना है कि आपको उन्हें कितनी एनर्जी सेंड करनी है। आपको उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे देनी है कि वह फिर से रन कर जाए, बिकॉज जब उन्हें सेक्सुअल या इतनी एनर्जी मिल जाती है तब वो रन करते हैं। सो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव साइड पर कन्वर्ट करिए। इसी वजह से ट्विन के बीच में सेक्सुअल पुल होता ही है। यह कनेक्शन ऐसा फील होता है जैसे कि कंप्लीट है। यह दो मिरर सोल है जो एक दूसरे को मिरर करती है। अगर डीएम आपके फिजिकली या सेक्सुअली फैंटेसी करते हैं तो डीएफ उसे फील करती है, चाहे वो कितनी भी दूर है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होती है तब भी उनकी माइंड में जो कुछ चलता है वह भी फील करती है। ट्विन फ्लेम ऐसे पर्सन हैं जो समान वीकनेस और ताकतों को साझा करते हैं, जो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील करते हैं। इनका कनेक्शन बहुत ही डीप लेवल का होता है, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह अपने जो भी एक्सपीरियंस एक दूसरे को बयां करते हैं या साझा करते हैं वह बहुत ही दर्दनाक या पेनफुल होते हैं, इसलिए ऐसे पर्सन की सोल से गहरा संबंध होता है। ट्विन सोल बहुत ही अशांत होते हैं अंदर से वह कुछ ना कुछ उनके अंदर एक भूचाल सा चलता रहता है और बावजूद उसके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन उनमें होता है। यह एक दूसरे के सामने आए तो अपने हाथों तक को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक दूसरे से दूर रख नहीं पाते। यह इनके लिए एक चैलेंज हो सकता है कि वह अपने हाथों को दूर रखें। इट्स मीन उन्हें टच के बिना नहीं रह पाते और जब दूर होते हैं तब भी गहरे लव को फील करते हैं, अट्रैक्शन को फील करते हैं। अट्रैक्शन उन्हें सताता रहता है और वो कितना भी ट्राई कर लें, कितना खुद को बिजी रख लें, खुद को कहीं भी इन्वॉल्व कर लें, फिर भी उनकी सोचे बिना नहीं रह पाते। साथ ही सेक्सुअल अट्रैक्शन गजब का होता है, ऑलवेज उसी में डूबे रहते हैं, वो खुद को फील करते रहते हैं चाहे साथी सामने हो या ना हो। उन्हें लगता है ही नहीं कि वो मेरे पास नहीं है, तब भी वह एक डीप अट्रैक्शन या कनेक्शन हाई सेक्सुअल एनर्जी को फील करते रहते हैं। बट सिचुएशन यह होती है कि वो ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं और अंदर ही अंदर बिन पानी के मछली की तरह तड़पते रहते हैं। कई बार डीएफ हमें मैसेज करती है कि मैडम, हमें हमारे डीएम की सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है। साथ ही जब हम अपनी डीएम से बात करते हैं तो वो बात यही करते हैं, सेक्सुअल टॉक ही करते हैं। ऐसे में यह सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि डीएफ कन्फ्यूजन में आ सकती है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी या नहीं, या किसी कार्मिक के साथ तो नहीं है। सो ऐसे में आपको खुद को
कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको बार बार ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं अपनी जर्नी पर, आप डाउट करने लग जाते हैं, तो आप कभी भी इस जर्नी में नहीं हैं। जो लोग इस जर्नी में होते हैं उन्हें कोई डाउट नहीं होता, वो कन्फर्म होते हैं। यहाँ तक कि वो कभी अपने मुँह से नहीं बोलते कि वो इस जर्नी में हैं। उसका रीज़न यह होता है कि वो इस जर्नी में बचपन से ही इतना पेन को फील करते आ रहे होते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकल कर आए होते हैं कि स्टेज पर जब उन्हें कन्फर्म भी होता है तब भी वो शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इतने पेन से निकलते निकलते वो हताश हो जाते हैं और किसी को कुछ नहीं बोलने का उनका मन ही नहीं होता, वे अपने में ही सिमट कर रह जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ट्विन सोल द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली हाई सेक्सुअल एनर्जी, उनकी डिज़ायर उन्हें एक दूसरे की ओर खींचती है। तो कुल मिलाकर रोमांस और सेक्स दोनों ट्विन सोल के बीच वेरी हाई और अशांत हो सकती है, और यदि वो पहले से ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं तो दोनों ट्विन की मैरिज हो गई है तो वो ऐसा फील कर सकते हैं कि वे अपने जीवन में सबसे अच्छा और सबसे हेल्दी सेक्स कर रहे हैं, और जिस सेक्स को फील कर रहे हैं ऐसा शायद ही कोई करता होगा। वो फीलिंग ऐसी होती है जो उन्हें कहीं भी फील नहीं हो सकती, चाहे वो मल्टीपल रिलेशनशिप में ही क्यों ना गए हों। उन्हें होश ही नहीं होता कि वे आखिर है कहाँ, वो बस उसमें डूब जाते हैं। मेरी ट्विन फ्रेम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सेक्स करते हैं और उसके बाद भी उसमें खोए रहते हैं, उनका मन भरता ही नहीं। वो अपनी DF को 24 आवर्स अपनी फैंटेसी में रखते हैं और उसी प्यार में डूबे रहते हैं, जैसे बारिश में भीग गए हों। उसी प्यार की फीलिंग को वो खुद में डूबा हुआ फील करते हैं। ट्विन फ्लेम के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा प्रबल और हाई होता है कि वह कुछ व्यक्तियों को स्पिरिचुअल फील करा सकता है। आइए आपको उन संकेतों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं जो आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सेक्सुअल रूप में सोच रहे हैं। कई साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल और फिजिकल इंडिकेशन आपकी ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रही हैं, आइए जानते हैं। इनिशियली यह एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में डरावना हो सकता है, लेकिन यह प्राण पोषक भी हो सकता है। विशेष रूप से आपको ट्विन फ्लेम द्वारा छुए जाने का एहसास, आपको टच किए जाने की भावना, यहाँ आप अपने ट्विन के टच को फील करते हैं जब वो फिजिकली आपके पास मौजूद नहीं होते हैं। आपको ऐसा फील होगा जैसे मेरे ट्विन मेरे सामने हैं और वो मुझे टच करके गया। आप इस टच को फील भी करेंगे। स्टार्टिंग में आप डर सकते हैं, आपको डरना नहीं है, एक्चुअल में आपके ट्विन की सोल ही अपने अदर हाफ के पास आती है। लोग हमें बताते हैं कि यदि आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सेक्सुअल थिंकिंग कर रहे हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम की फिजिकली या बॉडी सेंसेशन को फील कर सकते हैं। इंक्लूड बॉडी सेंसेशन जैसे कि दिल की धड़कन का बढ़ना घटना, या फिर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होना, या स्टोमच वाइब्रेट होना, या बॉडी या पेट का फड़कना आदि। ट्विन फ्लेम के साथ सेक्स के सपने देखना एक और इंडिकेशन है कि आपका ट्विन आपके बारे में सेक्सुअली अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं या सेक्सुअली आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आप अपने अंदर अपने ट्विन को स्ट्रॉन्गली फील कर रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहा है, तो यह सच हो सकता है। जब आपकी इंट्यूशन पावर आपके ट्विन के बारे में या ट्विन से रिलेटेड, इस नेचर से रिलेटेड आपको कोई संकेत दे रहा है, तो आपको किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलती। इसके अलावा एक यह भी इंडिकेशन है कि जब आपका ट्विन आपके बारे में सोच रहा है तो यह एक मेंटली इंडिकेशन है जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आप सडनली हाई एनर्जी के प्रभाव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि बॉडी में आग की लपटें निकल रही हैं। आप एक हाई वाइब्रेशन या ऑरा को फील कर सकते हैं। कई बार आप कंटिन्यूसली उस एनर्जी में रह सकते हैं।
यदि आप पहले से ही अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं तो संभावना है कि आप अक्सर अपने विचारों में अपनी थॉट्स को उनकी ओर भटकते हुए पाएंगे। इट्स मीन आप उनके बारे में ही सोचते रहेंगे। जब आपका ट्विन आपके बारे में सेक्सुअली सोच रहा होता है तो उसके माइंड में सेक्सुअली इंटीमेट थॉट्स आते हैं तो चांस है कि आप खुद को मुस्कुराते हुए पा सकते हैं। इट्स मीन वो ऐसा सोचते हैं तो उनकी फीलिंग आपको फील होती है तो आपके फेस पर लिटरली स्माइल आ जाती है, ना किसी कारण के, बिना किसी कारण के आप मुस्कुराने लगते हैं। ट्विन फ्लेम सोल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कॉस्मिक कनेक्शन होता है जो ट्विन सोल्स के बीच टेलीपैथी कनेक्शन कायम हो जाता है। और जब आप टेलीपैथी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तब उसके माध्यम से आप ट्विन फ्लेम एनर्जी एंगेज होते हैं जो इंटेंस लव सेक्स और टेलीपैथी सेक्स और टच को फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम के बीच किया गया बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि दोनों ही व्यक्तियों के लिए अपनी ट्विन फ्लेम की आवाज़ सुनना और मेंटली तौर पर कन्वर्सेशन करना पॉसिबल होता है। उनसे की गई बातों को अपने माइंड में दोहराते आप रहते हैं जो उन्होंने ट्विन फ्लेम के साथ की होती हैं। इसके अलावा वो एक मेंटली इंडिकेशन जो आप में से बहुत से ट्विन ने एक्सपीरियंस की होगी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ ट्विन फ्लेम इसको फील कर सकते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सडनली वाइब्रेशन होता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे वाइब्रेशन और इंटेंस इमोशनल स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिएक्शन को आप फील कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम होना वास्तव में एक रोमांचक एक्सपीरियंस हो सकता है, इसलिए आप ऊपर बताए गए एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं जो इस बात की संभावना को दिखाता है कि आपका ट्विन सोल आपके बारे में सेक्सुअल सोच रहे हैं। आप बहुत बार स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर आप पर काबू पा लेती हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो किसी के साथ फिजिकली होने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यह सबसे बड़े संकेतों में से एक है कि आपका ट्विन फ्लेम उस पल वही चीज़ें सोच रहा है या रही है और आप उसे महसूस कर रहे होते हैं। यह सुबह हो सकता है जब आप दिन के लिए जाग रहे हों, या फिर दिन के मध्य भी हो सकता है, कभी भी आपको यह फील हो सकता है। एक्चुअल में यह दोनों सोल एक सिल्वर कार्ड ऑफ कनेक्शन जैसे हैं, यह आप दोनों को एक साथ बांधता है। वो हमारे फिजिकली स्लैब्स या हमें स्पिरिचुअली स्लैब से जोड़ती हैं। यह डोरी आप दोनों के बीच एनर्जी को साझा करने का द्वार खोलती हैं। इट्स मीन यह है गेटवे फॉर एनर्जी जो एक दूसरे को एनर्जी को शेयर करती हैं। यह वही है जो आपको अपनी ट्विन सोल से उन स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्गेज को फील करने में सक्षम बनाता है। यह आपको केवल सेक्सुअल अर्गेज तक ही लिमिट नहीं है, आपको इमोशनली रूप से भी एक नए स्तर पर जोड़ती हैं। साथ ही ड्रीम भी इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि सपने हमारे लिए बहुत बड़ा रहस्य हैं। हम क्या सपने देखते हैं और एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं। हमारे अवचेतन मन में द्वार के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि सपने बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऐसे कई एक्सपीरियंस हैं जो एक ही सपना बहुत लोगों को दिखता है। हम बहुत बार सेम सपना एक दूसरे को शेयर करते हैं। जो दो लोगों के बीच मेंटली एनर्जी है जो उन्हें अपने सपनों से जुड़ने में सक्षम बनाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। यदि आप रात में कामुक सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ट्विन की एनर्जी को उठा रहे हैं, फील कर रहे हैं। आपका कनेक्शन मानो जैसा है, यह नॉर्मल कनेक्शन जैसा नहीं होता। यह कोई रहस्य नहीं है कि आप उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं और हर समय उनके आसपास रहना चाहते हैं। कि दोस्तों, इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि सेपरेशन के टाइम में उन्हें स्पेस दें ताकि वह अपने और अपने जीवन पर चिंतन करने का समय खुद पर लगाएं, खुद पर वर्क करें और अपने आप को पहचान सकें।
वहीं यदि आप बार बार ऑन ऑफ करते हैं, अपनी ट्विन को नहीं समझते, उसे सपोर्ट नहीं करते, तो वो आपसे परेशान होकर आपसे दूर चला जाएगा और आप इस संबंध को खो सकते हैं। सो उन्हें समय दें, सपोर्ट करें, एंकरेज करें जिसकी उन्हें नीड है, तो आप पाएंगे आपका कनेक्शन और ज़्यादा डीप होता जाएगा। चढ़ने की एक खास बात यह भी होती है कि जब आप एक बार अपने ट्विन से मिल जाते हैं तो उसके बाद कोई भी चाहे वो आपके ट्विन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव है, फिर भी आप उसके करीब नहीं जाएंगे। आप अपने ट्विन के टच से अच्छा आपको किसी और का भी टच अच्छा नहीं लगेगा। पहले जो आपका माइंड इधर उधर भागा करता था, एक प्ले की एनर्जी में रहा करता था, वो भागना बंद हो जाता है। आप अपने अंदर एक ठहराव को फील करने लगते हैं, आप शांत होने लगेंगे, आपको आपके ट्विन के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। कई बार आपका ट्विन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, भागता है, ऑन ऑफ करता है, बार बार आपको सुनना बंद कर देता है, बस आपको पेन देना देता चला जाता है। आप उनकी हरकतों से परेशान होकर उनसे भागने लगते हैं। कई बार आप अदर रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, बट आप वहाँ भी सुकून से नहीं रह पाते। 24/7 आवर्स किसी दूसरे के होने पर भी आपका ट्विन आपके माइंड में घूमता रहता है। आप कितना भी उनसे भागते हैं, खुद को उससे कहीं ज़्यादा करीब पाते हैं। तो यह था वीडियो, हम अपने ट्विन की सेक्सुअल एनर्जी को फील करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी जर्नी दोस्तों।